एक पुलिस जवान ने बहादुरी दिखाकर बदमाश को घर दबोचा तो सम्मान में उसे पुलिस विभाग ने ऐसा इनाम दिया कि हर कोई उसकी चर्चा करने लगा। क्या है दिलेरी का इनाम, आप भी देखिए। पुलिस महकमे से ऐसी तस्वीरें कम ही सामने आती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस के एक सिपाही को उसके महकमे के आला अधिकारी सम्मानित कर रहे हैं। कोई जवान को शॉल पहना रहा है तो कोई उसे बुके भेंट कर रहा है। ये हम आपको आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिलहाल सम्मान के सिलसिले को जारी रखा जाए। जिन अधिकारियों को ये जवान सलामी देता है, आज वही अधिकारी इस जवान को कुर्सी पर बैठ कर उपहार दे रहे हैं। कोई इस जवान को फलों की टोकरी दे रहा है तो कोई उसे पगड़ी पहना रहा है। तालियों के साथ इस जवान का स्वागत हो रहा है। दरअसल ये नजारा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का है, जहां पुलिस ने अपने एक जांबाज जवान को सम्मानित किया। इस जवान को सिर्फ सम्मानित ही नहीं किया गया, बल्कि केरल में 3 रात और 4 दिन का हनीमून पैकेज भी दिया गया। जहां पुलिस महकमे में हर वक्त छुट्टियों का डोटा रहता है, वहां 4 दिन की छुट्टी के साथ में हनीमून पैकेज बड़ी बात है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस जवान ने ऐसा क्या कर दिया जो इसको इतना सम्मान दिया जा रहा है। चलिए तो अब आपको इस जवान की जांबाजी के बारे में बताते हैं। दरअसल बीते 5 जुलाई को गश्त के दौरान सिपाही वेंकटेश ने सड़क में कुछ बदमाशों को लूटपाट करते देखा। वेंकटेश को देखकर बदमाश भागने लगे। अकेले होने के बावजूद वेंकटेश ने 4 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा किया और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। एक अपराधी के गिरफ्त में आने के बाद पुलिस को पूरे गैंग को पकड़ने में कामयाबी मिल गई। ये गैंग पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ था। उसने बहुत ही अच्छा काम किया है और वो रंगे हाथ दो आरोपी जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे, वो उनको उनमें से एक को उसने 4 किलोमीटर का एक काफ़ी लंबा चौड़ा चेज करके और लास्ट में उसको एक को पकड़ा, एक रिवॉर्ड दिया है, जिसमें कि हाँ आप कह सकते हैं कि कुछ एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसमें है कि एक हनीमून पैकेज भी हमने ऑफर किया उसको। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस अधिकारियों ने अपने जवान को गिफ्ट में हनीमून पैकेज क्यों दिया। दरअसल नवंबर में वेंकटेश की शादी है, वहीं जब जवान को इनाम देने पर बातचीत हुई तो डिवीजन के डीसीपी ने न सिर्फ वेंकटेश को हनीमून पर भेजने का फैसला लिया बल्कि 1 सप्ताह की पेड लीव भी दिलवा दी। We wanted to send his family to the to South India tour. Then we came to know that he is not married and somebody told his marriage is fixed. Then this idea came that we have to fix him a honeymoon since he is going to get married. We have to gift him something special. So we purchased a honeymoon package, fully paid honeymoon package and gifted it to him. पुलिस की नौकरी काफी चुनौती भरी होती है। कई बार तो पुलिस के जवानों को 24-24 घंटे तक काम करना होता है। ऐसे में उन्हें बहादुरी के लिए प्रोत्साहित करने से उनका हौसला और बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। साहसिक कामों के लिए पुलिस कर्मियों को इनाम मिलना कोई नई बात नहीं, पर वेंकटेश को हनीमून पैकेज देकर बेंगलुरु पुलिस ने यह जता दिया कि वो पुलिस वालों की दिल की बातों का ख्याल भी रखते हैं। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु।